सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी। मैं हाँ सुरिंद्रपाल सिंह वरपाल। असी पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश, जिथों कल श्री हेमकुंड साहब की यात्रा आरंभ हो रही है। पहला जत्था रवाना होगा, जिस दे विच खास तौर पर शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं इत्थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राजपाल। सिख संगत भी देश विदेश तो इत्थे हुम हुमा के पहुँच रही ने। तैयारियां प्रबंधकों वालों की गई ने, क्योंकि पिछले दो सालों तो यह यात्रा लगातार प्रभावित हो रही थी, तो इस बार संगत दे विच भी काफ़ी उत्साह है। तो दूर दुराडे तो संगत जी लगातार इतने पहुँच रही है, संपर्क कर रही है, तो यात्रा संबंधी सुझाव और इतों के आने बारे जो प्रबंध किए गए उन्होंने बारे भी जानकारी ली जा रही है। सो किस तरीके के प्रबंध ने साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान सरदार जनक सिंह जी, वो भी चेच तौर पर अज इतने पहुँच चुके हैं, प्रबंधों का जायजा ला रहे हैं, गलबात करांगे। सब तो पहला जी बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दो साल तो यह यात्रा जी प्रभावित हो रही थी, इस बार बहुत वधिया एक माहौल मिलिया होया, यात्रा शुरू हो रही है, किवें दे प्रबंध ने जी? गल हैगी जी कि प्रबंधों वास्ते तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। गुरु महाराज की बख्शिश के सदके साडे सारे ट्रस्टी जिन्हें भी हैं उन्होंने अंदरों दिलों चाह हैगा कि संगत थुम हम आके आए, गुरु महाराज दियाँ खुशियां ले, गुरु महाराज दियाँ शीशां ले, क्योंकि दो साल तो संगत अंदरों बड़ी परेशान सी, दुखी सी कि असी दरबार के दर्शन नहीं कर सके, तो हुण उसकी अपनी बख्शिश हुई है। उस बख्शिश के सदके 22 तारीख तो हेमकुंड साहब के द्वार खोले जाएंगे, संगत हुम हुम आके आए तो गुरु महाराज दी खुशियां ले। कितनी संगत एक दिन दे विच जा सकती है, की कुछ जिहड़ा डिसाइड किया गया जी? हरजी जी के असीं तो चाहते हैं जितनी संगत आ सके आए, मगर थोड़ा जा सानू प्रबंधकां नाल भी चलना पैंदा। उन्होंने कहा कि तुसी संगत जिहड़ी है लिमिट, मगर सानू उन्हां दी मेहरबानी है, उन्होंने 5000 संगत पर डे अलाउ कर दिती है, और उम्मीद करते हैं वाहेगुरू करेगा कि इस तो ज़्यादा ही संगत होगी। करता तो कोई मतलब नहीं बनता, बाकी अगर जो गुरु महाराज बख्शिश करता रहेगा कर। पिछले दो सालों के कोविड करके काफ़ी पाबंदियां सी, टेस्ट कराने की भी एक पाबंदी सी, इस बार कुछ अजिहा होएगा क्योंकि संगत दे भी इदों चिती है? नहीं, इस सिर्फ कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना जरूर है कि जिहड़ी भी संगत आए वो इत्थे ऋषिकेश दफ्तर बनाया है, एक जिस विचार जिहड़ी संगत उपर जाएगी वो अपना नाम रजिस्टर करा के, रजिस्ट्रेशन करा के वो उपर जा सकते हैं। कल का की शड्यूल रहेगा कि जी, किस तरीके ना समागम जिहड़ा करवाया जाएगा, तो रवाना किस तरीके ना जिहड़ा इत्थों पहला जत्था होगा जी? गल है जी कि पहले तो साडे जिहड़े मेहमान आ रहे हैं वो आएंगे, उन्होंने जी आया कह के उस तो बाद साडे जिहड़ा जत्था हैगा उसनू अपना सीएफ करेंगे, और वो जत्था जिहड़ा पहला जिहड़ा जत्था हमेशा जांदा वो उपर जाएगा हेमकुंड साहब के दर्शन लई। जिहड़ी संगत आना चाहती है की तुसी उन्हां नू अपील करनी चाहोगे? असी तो बेटा जी दो हाथ जोड़ के ही हर वेले उन्हां नू रिक्वेस्ट कर रहे जीओ के आओ, ट्रस्ट वालों किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हैगी। हरिद्वार तो लैके गोविंद धाम तक संगतां दे रहन वास्ते पूरा अच्छी तरह इंतजाम है, डॉक्टरों का इंतजाम है, दवाइयां का इंतजाम है। गुरु महाराज ना करे को कुछ कोई बेचारा ज़्यादा बीमार हो गया, कुछ हो गया, एम्बूलेंसों का इंतजाम है कि उन्होंने अच्छे हुए हर चीज़ की फैसिलिटी। एक्चुअली साढ़े सारे ट्रस्टी जड़े हैं ना, इन्होंने अंदरों दिल खिंच हैगी है कि संगत आए तो असं उन्होंने सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। सो ये सन प्रधान जनक सिंह जी, जिन्होंने विस्तार नाल जानकारी दी है कि कल पहला जत्था रवाना होगा, खास तौर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के राजपाल इतने पहुँच रहे हैं। पहला जत्था रवाना होगा तो 22 मई को श्री हेमकुंड साहब के कवाड़ खुलेंगे। संगतों को अपील की है कि वह हुम हुम आके इतने पहुँचन, क्योंकि काफ़ी उत्साह जिहड़ा इस बार देखा जा रहा है। दो साल तो संगत जी नहीं आ सकी, सो इस बार बहुत वधिया माहौल है, संगत वास्ते खास तौर पर प्रबंध जिहड़े ने किए गए हैं। रुपिंदरपाल डिंपल दे नाल सुरिंद्रपाल सिंह वरपाल, हेमकुंड साहिब।
देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।